पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 54। कृष्ण सभी राजकुमारों को हराते हैं और रुक्मिणी को द्वारका के घर ले जाते हैं। रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए जरासंध और अन्य सभी राजकुमार कृष्ण पर बहुत क्रोधित थे। रुक्मिणी की सुंदरता से प्रभावित होकर वे अपने घोड़ों और हाथियों की पीठ से गिर गए थे, लेकिन अब वे खड़े हो गए और अपने आप को ठीक से हाथ में लेने लगे। अपने धनुष और बाण उठाकर वे अपने रथों, घोड़ों और हाथियों पर कृष्ण का पीछा करने लगे। उनकी प्रगति को रोकने के लिए यदु वंश के सैनिकों ने मुड़कर उनका सामना किया। इस प्रकार दो विद्रोही समूहों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई। कृष्ण का विरोध करने वाले राजकुमारों, जो जरासंध के नेतृत्व में थे और सभी युद्ध में निपुण थे, ने यदु सैनिकों पर अपने बाण चलाए, जैसे बादल एक पहाड़ के चेहरे को बारिश की धार से छिटक देता है। एक पहाड़ के चेहरे पर इकट्ठा एक बादल बहुत ज्यादा नहीं हिलता है, और इसलिए बारिश का बल कहीं और की तुलना में पहाड़ पर बहुत अधिक तीव्र होता है। विरोधी राजकुमारों ने कृष्ण को हराने और रुक्मिणी को उनकी हिरासत से वापस लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया और वे उनके साथ यथासंभव गंभीर रूप से लड़े। रुक्मिणी कृष्ण के बगल में बैठे हुए यदु सैनिकों के चेहरे पर विरोधी दल से तीर बरसते हुए देखा। भयभीत भाव में उसने कृष्ण के चेहरे की ओर देखा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने केवल उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया था। उसकी आंखें हिल रही थीं, उसे खेद हुआ, और कृष्ण, जो तुरंत उसके मन को समझ सकते थे, ने उसे इन शब्दों से प्रोत्साहित किया, मेरे प्रिय रुक्मिणी, चिंता मत करो। कृपया निश्चिंत रहें कि यदु वंश के सैनिक बिना देर किए सभी विरोधी सैनिकों को मार डालेंगे। जैसे ही कृष्ण रुक्मिणी से बात कर रहे थे, भगवान बलराम के नेतृत्व में यदु वंश के सैनिकों के सेनापति, जिन्हें संकरण भी कहा जाता है, साथ ही गदा ने विरोधी सैनिकों के उद्दंड रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हुए उनके घोड़ों, हाथियों पर हमला करना शुरू कर दिया और बाणों से रथ। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दुश्मन के राजकुमार और सैनिक अपने घोड़ों, हाथियों और रथों से गिरने लगे। कुछ ही देर में हेलमेट और झुमके से सजे लाखों कटे हुए सिर युद्ध के मैदान में गिर पड़े। सिपाहियों के हाथ उनके धनुष, बाण और लाठियों समेत काट दिए गए। बाहों पर हथियार, जांघों पर जांघों और घोड़ों पर घोड़ों का ढेर लगा हुआ था। इसी तरह अन्य जानवर जैसे ऊंट, हाथी और गधे, साथ ही पैदल सेना के सैनिक सभी कटे हुए सिर के साथ गिर गए। जब जरासंध के नेतृत्व में शत्रु ने पाया कि वे धीरे धीरे कृष्ण के सैनिकों से पराजित हो रहे हैं, तो उन्होंने शिशुपाल की खातिर युद्ध में अपनी सेना को खोने का जोखिम उठाना नासमझी समझा। शिशुपाल को स्वयं रुक्मिणी को कृष्ण के हाथों से बचाने के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन जब सैनिकों ने देखा कि शिशुपाल कृष्ण से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, तो उन्होंने अपनी सेना को अनावश्यक रूप से नहीं खोने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने लड़ना छोड़ दिया और तितर बितर हो गए। कुछ राजकुमार शिष्टाचार के रूप में शिशुपाल के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि शिशुपाल निराश हो गया था, जैसे उसने अपनी पत्नी को खो दिया हो। उसका चेहरा सूख गया था, उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी थी और उसके शरीर की सारी चमक गायब हो गई थी। उन्होंने शिशुपाल को इस प्रकार संबोधित किया, हमारे प्रिय शिशुपाल, इस तरह से निराश मत होइए। आप शाही आदेश के हैं और सेनानियों में प्रमुख हैं। आप जैसे व्यक्ति के लिए दुख या खुशी का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी स्थिति चिरस्थायी नहीं है। हिम्मत करो, इस अस्थायी उलटफेर से निराश ना हो। आखिरकार हम अंतिम अभिनेता नहीं हैं, जैसे कठपुतली एक जादूगर के हाथों में नृत्य करती है, हम सब परमात्मा की इच्छा से नृत्य कर रहे हैं और केवल उनकी योजना के अनुसार हम कष्ट सहते हैं या सुख का आनंद लेते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। हालांकि शुरुआत में राजकुमारों को अपने वीरतापूर्ण कार्य में सफलता की आशा थी, लेकिन उनकी हार के बाद वे केवल चापलूसी के शब्दों से शिशुपाल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर सकते थे। इस प्रकार शिशुपाल को रुक्मिणी से विवाह करने के स्थान पर अपने मित्रों की चापलूसी भरी बातों से संतुष्ट होना पड़ा और वह निराश होकर घर लौट आया। जो राजा उसकी सहायता के लिए आए थे, वे भी निराश होकर अपने अपने राज्यों को लौट गए। हार की पूरी तबाही रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी के ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण हुई थी। अपनी बहन को जबरन ले जाने के बाद जब कृष्ण ने उसकी शिशुपाल से शादी करने की योजना बनाई थी, तो रुक्मी निराश हो गई थी। तो शिशुपाल के बाद उसका दोस्त और इरादा देवर घर लौट आया। रुक्मी बहुत उत्तेजित होकर कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से सबक सिखाने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने अपने स्वयं के सैनिकों को बुलाया। एक सैन्य फालनक जिसमें कई हजार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना शामिल थे, और इस सैन्य शक्ति से लैस होकर उन्होंने द्वारका के लिए कृष्ण का अनुसरण करना शुरू कर दिया। अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए रुक्मी ने सभी लौटने वाले राजाओं से वादा किया, आप शिशुपाल को मेरी बहन रुक्मिणी से शादी करने में मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं रुक्मिणी को कृष्ण द्वारा ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, अब मैं उसका अनुसरण करने जा रहा हूं। उन्होंने खुद को एक बड़े सेनापति के रूप में पेश किया और सभी राजकुमारों के सामने कसम खाई, जब तक मैं लड़ाई में कृष्ण को नहीं मारूंगा और अपनी बहन को उनके चंगुल से वापस नहीं लाऊंगा, मैं अपनी राजधानी कुशीना वापस नहीं आऊंगा।
मैं तुम सबके सामने यह मन्नत मानता हूँ और तुम देखोगे कि मैं उसे पूरा करूंगा। इस प्रकार इन सभी घमंडी शब्दों को कंपित करने के बाद रुक्मी तुरंत अपने रथ पर चढ़ गई और अपने रथ चालक को कृष्ण का पीछा करने के लिए कहा। उसने कहा, मैं उससे तुरंत लड़ना चाहता हूँ। क्षत्रियों के साथ युद्ध करने के अपने धूर्त तरीके से इस ग्वाले को गर्व हो गया है, लेकिन आज मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्योंकि उसमें मेरी बहन का अपहरण करने का साहस था, इसलिए मैं अपने तीखे बाणों से उसे सचमुच बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा। इस प्रकार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की शक्ति और गतिविधियों की सीमा से अनभिज्ञ इस मूर्ख व्यक्ति रुक्मो ने अपनी धमकियों को आवाज दी। बड़ी मूर्खता में वह जल्द ही कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उससे बार बार कह रहा था, एक मिनट रुको और मुझसे लड़ो। यह कहने के बाद उन्होंने अपना धनुष खींचा और सीधे कृष्ण के शरीर पर तीन शक्तिशाली बाण चलाए। फिर उन्होंने यदु वंश के सबसे घृणित वंशज के रूप में कृष्ण की निंदा की और उन्हें एक मिनट के लिए उनके सामने खड़े होने के लिए कहा, ताकि वे उन्हें एक अच्छा सबक सिखा सकें। आप मेरी बहन को वैसे ही ले जा रहे हैं जैसे एक कौवा एक बलिदान में इस्तेमाल होने वाले घी को चुरा रहा है। आपको अपनी सैन्य शक्ति पर गर्व है, लेकिन आप नियामक सिद्धांतों के अनुसार नहीं लड़ सकते। तूने मेरी बहन को चुराया है, अब मैं तुझे तेरी झूठी प्रतिष्ठा से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम मेरी बहन को अपने अधिकार में तब तक रख सकते हो जब तक कि मैं तुम्हें अपने बाणों से भूमि पर न गिरा दूं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी के इन सभी पागल शब्दों को सुनने के बाद तुरंत एक तीर चलाया और रुक्मी के धनुष की डोरी को तोड़ दिया, जिससे वह दूसरे तीर का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। रुक्मी ने तुरंत एक और धनुष लिया और कृष्ण पर एक और पांच बाण चलाए। दूसरी बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण ने रुक्मिणी के धनुष की डोरी को फिर से अलग कर दिया। रुक्मी ने तीसरा धनुष लिया और कृष्ण ने फिर से उसकी डोरी काट दी। इस बार रुक्मा को सबक सिखाने के लिए कृष्ण ने उस पर छह बाण चलाए और फिर एक और आठ बाण चलाए। चार बाणों से चार घोड़ों को मार डाला, रथ चालक को दूसरे तीर से मार डाला और रुक्मी के रथ के ऊपरी हिस्से को काट दिया, जिसमें ध्वज भी शामिल था। शेष तीन तीरों के साथ रुक्मो ने बाणों से भागकर तलवारों, ढालों, त्रिशूलों, भालों और हाथ से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले समान हथियारों से सहायता ली, लेकिन कृष्ण ने तुरंत उन सभी को उसी तरह तोड़ दिया। अपने प्रयासों में बार बार चकित होने के कारण रुक्मी ने अपनी तलवार ली और तेजी से कृष्ण की ओर दौड़ी, जैसे एक मक्खी आग की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही रुक्मी कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण ने उनके हथियार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस बार कृष्ण ने अपनी धारदार तलवार निकाली और उसे तुरंत मारने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी की बहन रुक्मिण यह समझकर कि इस बार कृष्ण अपने भाई को माफ नहीं करेंगे, कृष्ण के चरण कमलों पर गिर गए और बहुत ही गंभीर स्वर में बड़े भय से कांपते हुए पति से गुहार लगाने लगी। रुक्मिणी ने पहले कृष्ण को योगेश्वर के रूप में संबोधित किया। योगेश्वर का अर्थ है वह जिसके पास अकल्पनीय ऐश्वर्य और ऊर्जा है। कृष्ण के पास अकल्पनीय ऐश्वर्य और ऊर्जा है, जबकि रुक्मी के भाई के पास केवल सीमित सैन्य शक्ति थी। कृष्ण अतुलनीय हैं, जबकि उनके भाई को उनके जीवन के हर कदम में मापा गया था। इसलिए रुक्म कृष्ण की असीमित शक्ति से पहले एक तुच्छ कीट से भी तुलनीय नहीं थे। उन्होंने कृष्ण को देवताओं के देवता के रूप में भी संबोधित किया। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे कई शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन कृष्ण इन सभी देवताओं के भगवान हैं। जबकि रुक्मिणी का भाई न केवल एक साधारण इंसान था, बल्कि वास्तव में सबसे छोटा था, क्योंकि उसके पास था कृष्ण की कोई समझ नहीं। दूसरे शब्दों में, एक इंसान जिसे कृष्ण की वास्तविक स्थिति की कोई अवधारणा नहीं है, वह मानव समाज में सबसे नीचे है। तब रुक्मिणी ने कृष्ण को महाभुज के रूप में संबोधित किया, जिसका अर्थ है असीमित शक्ति वाला। उन्होंने कृष्ण को जगतपति के रूप में भी संबोधित किया, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के स्वामी हैं। उसकी तुलना में उसका भाई केवल एक साधारण राजकुमार था। इस तरह रुक्मिणी ने रुक्मिणी की स्थिति की तुलना कृष्ण से की और अपने पति से बहुत ही भावपूर्ण तरीके से अनुरोध किया कि वह अपने भाई को कृष्ण के साथ एकजुट होने के शुभ समय पर न मारें, बल्कि उसे क्षमा करें। दूसरे शब्दों में, उन्होंने एक महिला के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित किया। वह कृष्ण को अपने पति के रूप में पाकर उस समय खुश थी जब उसका विवाह दूसरे से होना था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि यह उसके बड़े भाई के नुकसान में हो, जो आखिरकार अपनी छोटी बहन से प्यार करता था और चाहता था उसे सौंप दो, जो उसकी अपनी गणना के अनुसार एक बेहतर आदमी था। जब रुक्मिणी अपने भाई के जीवन के लिए कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी चिंता के कारण उसका चेहरा सूख गया और उसका गला दब गया और उसके कांपने के कारण उसके शरीर के आभूषण ढीले हो गए और गिर गए जमीन पर बिखरा हुआ। इस तरह जब रुक्मिणी बहुत परेशान हुई तो वह जमीन पर गिर पड़ी और भगवान कृष्ण तुरंत दयालु हो गए और मूर्ख रुक्मी को न मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन साथ ही वह उसे कुछ हल्का दंड देना चाहता था, इसलिए उसने उसे कपड़े के टुकड़े से बांध दिया और उसकी मूछें, दाढ़ी और बाल काट दिए, कुछ धब्बे इधर उधर रख दिए। जब कृष्ण रुक्मी के साथ इस तरह व्यवहार कर रहे थे, तब यदु वंश के सैनिकों ने स्वयं बलराम की कमान में रुक्मी की सेना की पूरी ताकत को तोड़ दिया, जैसे एक तालाब में एक हाथी कमल के फूल के कमजोर तने को फेंक देता है।
दूसरे शब्दों में, जैसे एक हाथी पानी के एक जलाशय में स्नान करते हुए कमल के फूल के पूरे निर्माण को तोड़ देता है, यदुओं की सैन्य शक्ति ने रुक्मी की सेना को तोड़ दिया। जब यदु वंश के सेनापति कृष्ण को देखने के लिए वापस आए तो वे सभी रुक्मी की हालत देखकर हैरान रह गए। भगवान बलराम अपनी भाभी के प्रति विशेष रूप से दयालु हो गए, जिनकी उनके भाई से नई शादी हुई थी। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए बलराम ने व्यक्तिगत रूप से रुक्मिणी को खोल दिया और उसे और अधिक प्रसन्न करने के लिए बलराम ने कृष्ण के बड़े भाई के रूप में तारना के कुछ शब्द बोले। कृष्ण, आपकी कार्रवाई बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, उन्होंने कहा। यह हमारी पारिवारिक परंपरा के बिल्कुल विपरीत घृणित है। किसी के बाल कटवाना और उसकी मूछें और दाढ़ी मुंडवाना लगभग उसे मारने के बराबर है। रुक्मा चाहे कुछ भी रहा हो, वह अब हमारा साला है, हमारे परिवार का रिश्तेदार है और आपको उसे ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद रुक्मिणी को शांत करने के लिए भगवान बलराम ने उससे कहा, आपको खेद नहीं होना चाहिए कि आपके भाई को अजीब दिखने वाला बना दिया गया है। हर कोई अपने कार्यों के परिणामों को भुगतता है या भोगता है। भगवान बलराम रुक्मिणी को प्रभावित करना चाहते थे कि उन्हें अपने भाई के कार्यों के कारण हुए परिणामों के लिए खेद नहीं होना चाहिए। ऐसे भाई के प्रति ज्यादा स्नेह की जरूरत नहीं थी। भगवान बलराम ने फिर से कृष्ण की ओर रुख किया और कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, एक रिश्तेदार, भले ही वह ऐसी गलती करता है और मारे जाने के योग्य है, क्षमा किया जाना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा कोई रिश्तेदार अपनी गलती के प्रति सचेत होता है तो वह चेतना स्वयं मृत्यु के समान होती है, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। बलराम ने फिर रुक्मिणी की ओर रुख किया और उन्हें बताया कि मानव समाज में क्षत्रिय का वर्तमान कर्तव्य इतना निश्चित है कि लड़ाई के सिद्धांतों के अनुसार उसका अपना भाई दुश्मन बन सकता है, तब क्षत्रिय अपने ही भाई को मारने से नहीं हिचकिचाता। दूसरे शब्दों में भगवान बलराम रुक्मिणी को निर्देश देना चाहते थे कि रुक्मिणी और कृष्ण लड़ाई में एक दूसरे पर दया न करने के लिए सही थे, पारिवारिक विचार के बावजूद कि वे बहनोई थे। श्री बलराम ने रुक्मिणी को बताया कि क्षत्रिय भौतिकवादी जीवन शैली के विशिष्ट प्रतीक हैं। जब भी भौतिक अधिग्रहण का सवाल होता है तो वे फूल जाते हैं। इसलिए जब दो युधर क्षत्रियों के बीच राज्य, भूमि, धन, स्त्री, प्रतिष्ठा या शक्ति के लिए लड़ाई होती है तो वे एक दूसरे को सबसे घृणित स्थिति में डालने का प्रयास करते हैं। बलराम ने रुक्मिणी को निर्देश दिया कि अपने भाई रुक्मिणी के प्रति उसका स्नेह, जिसने इतने लोगों के साथ शत्रुता पैदा की थी, एक सामान्य भौतिकवादी के लिए एक विकृत विचार था। मित्रों के प्रति उसके व्यवहार को देखते हुए उसके भाई का चरित्र बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं था, फिर भी एक सामान्य स्त्री की तरह रुक्मिणी उसके प्रति स्नेही था। वह उसका भाई बनने के योग्य नहीं था और फिर भी रुक्मिणी उसके प्रति उदार थी। इसके अलावा बलराम ने आगे कहा, यह विचार कि एक व्यक्ति तटस्थ है या किसी का मित्र या शत्रु है, आमतौर पर जीवन की शारीरिक अवधारणा में व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर की मायावी शक्ति से मोहित हो जाते हैं। आत्मा किसी भी पदार्थ के अवतार में एक ही शुद्ध गुण की होती है, लेकिन जो पर्याप्त रूप से बुद्धिमान नहीं है, वे केवल जानवरों और पुरुषों, साक्षर और अनपढ़, अमीर और गरीब के बीच शारीरिक अंतर देखते हैं, जो शुद्ध आत्मा को कवर करते हैं। इस तरह के अंतर केवल शरीर के आधार पर देखे जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आग के बीच के अंतर विभिन्न प्रकार के ईंधन के रूप में होते हैं जो वे उपभोग करते हैं। ईंधन का आकार और आकार जो भी हो, आग में कोई भी आकार और आकार नहीं होता है जो बाहर निकलता है। इसी तरह आकाश में आकार या आकार में कोई अंतर नहीं है। इस तरह बलराम ने रुक्मिणी और कृष्ण को अपने नैतिक और नैतिक निर्देशों द्वारा स्थिति को समेट लिया। रुक्मिणी को उन्होंने आगे कहा, यह शरीर भौतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा है, जिसमें भौतिक तत्व, रहने की स्थिति और भौतिक प्रकृति के गुणों की बातचीत शामिल है। जीव या आत्मा, इनके संपर्क में होने के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में मायावी आनंद के कारण स्थानांतरित हो रहा है और उस स्थानांतरण को भौतिक अस्तित्व के रूप में जाना जाता है। भौतिक अभिव्यक्ति के साथ जीव के इस संपर्क का न तो एकीकरण है और न ही विघटन। मेरी प्यारी पवित्र भाभी, आत्मा निश्चित रूप से इस भौतिक शरीर का कारण है, जैसे सूर्य सूर्य के प्रकाश, दृष्टि और भौतिक अभिव्यक्ति के रूपों का कारण है। उद्धरण चिन्ह। भौतिक जगत के साथ जीव के संपर्क को समझने में सूर्य के प्रकाश और भौतिक अभिव्यक्ति का उदाहरण बहुत उपयुक्त है। सुबह सूरज उगता है और गर्मी और रोशनी धीरे धीरे पूरे दिन फैलती है। सूर्य सभी भौतिक आकृतियों और रूपों का कारण है, क्योंकि सूर्य के कारण ही भौतिक तत्वों का एकीकरण और विघटन होता है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, पूरी अभिव्यक्ति अब सूर्य से जुड़ी नहीं है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है। जब सूर्य पूर्वी से पश्चिमी गोलार्ध में जाता है तो पूर्वी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली बातचीत का परिणाम रहता है, लेकिन धूप पश्चिमी गोलार्ध में ही दिखाई देती है। इसी तरह जीव किसी विशेष परिस्थिति में विभिन्न शरीरों और विभिन्न शारीरिक संबंधों को स्वीकार या उत्पन्न करता है, लेकिन जैसे ही वह वर्तमान शरीर को छोड़ देता है और दूसरे को स्वीकार करता है, उसका पूर्व शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जीव का अगले शरीर से कोई लेना देना नहीं है जिसे वह स्वीकार करता है।
वह इस शारीरिक दूषण के संपर्क से हमेशा मुक्त रहता है। इसलिए बलराम ने आगे कहा, शरीर के प्रकट होने और गायब होने का जीव से कोई लेना देना नहीं है, जैसे चंद्रमा के ढलने और घटने का चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। जब चंद्रमा बढ़ता है तो हम झूठा सोचते हैं कि चंद्रमा विकसित हो रहा है, और जब यह घटता है तो हम सोचते हैं कि चंद्रमा घट रहा है। वास्तव में चंद्रमा जैसा है हमेशा वैसा ही रहता है, इसका वैक्सिंग और घटने जैसी दृश्यमान गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान बलराम ने आगे कहा, भौतिक अस्तित्व में किसी की चेतना की तुलना सोने और सपने देखने से की जा सकती है। जब मनुष्य सोता है तो वह अनेक अवास्तविक घटनाओं का स्वप्न देखता है, और स्वप्न के फलस्वरूप वह विभिन्न प्रकार के कष्टों और सुखों के अधीन हो जाता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भौतिक चेतना के सपने में होता है तो उसे भौतिक अस्तित्व में शरीर को स्वीकार करने और उसे फिर से छोड़ने का प्रभाव भुगतना पड़ता है। इस भौतिक चेतना के विपरीत कृष्ण भावनामृत है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के मंच पर ऊंचा हो जाता है तो वह जीवन की इस झूठी धारणा से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री बलराम ने रुक्मिणी को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने आगे अपनी भाभी को इस प्रकार संबोधित किया, मधुर मुस्कुराते हुए रुक्मिणी, अज्ञानता के कारण झूठी धारणाओं से दुखी मत हो। झूठी धारणाओं के कारण ही कोई दुखी होता है, लेकिन वास्तविक जीवन के दर्शन पर चर्चा करके इस दुख को तुरंत दूर किया जा सकता है। उसी प्लेटफॉर्म पर खुश रहो। श्री बलराम के ऐसे ज्ञानवर्धक उपदेशों को सुनने के बाद रुक्मिणी तुरंत शांत और खुश हो गई और अपने मन को समायोजित कर लिया, जो कि उनके भाई रुक्मी की अपमानित स्थिति से बहुत पीड़ित था। जहां तक का सवाल था, उनका वादा पूरा नहीं हुआ और न ही उनका मिशन सफल रहा। वह कृष्ण को हराने और अपनी बहन को रिहा करने के लिए अपने सैनिकों और सैन्य फालनग्स के साथ घर से आया था, लेकिन इसके विपरीत उसने अपने सभी सैनिकों और सैन्य शक्ति को खो दिया। वह व्यक्तिगत रूप से अपमानित और बहुत खेदित था, लेकिन भगवान की कृपा से वह अपने जीवन को उसके निश्चित गंतव्य तक जारी रख सका। क्योंकि वह एक क्षत्रिय था, वह अपने वादे को याद कर सकता था कि वह अपनी राजधानी कुशीन वापस नहीं लौटेगा। कृष्ण को मारे बिना और अपनी बहन को रिहा किए बिना, जो वह करने में विफल रहा था, इसलिए उसने क्रोध में अपनी राजधानी शहर नहीं लौटने का फैसला किया, और उसने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण किया, जिसे भोजकण के नाम से जाना जाता है, जहां वह जीवन भर रहता था। सभी विरोधी तत्वों को हराने और जबरन रुक्मिणी को ले जाने के बाद कृष्ण उसे अपनी राजधानी द्वारका ले आए और फिर वैदिक कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार उससे शादी कर ली। इस विवाह के बाद कृष्ण द्वारका में यदुओं के राजा बने। रुक्मिणी के साथ उनके विवाह के अवसर पर सभी निवासी खुश थे और हर घर में बड़े समारोह होते थे। द्वारका शहर के निवासी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने आप को सबसे अच्छे संभव गहने और वस्त्र पहनाए और नवविवाहित जोड़े कृष्ण और रुक्मिणी को अपने साधन के अनुसार उपहार देने गए। यदुपुरी द्वारका के सभी घरों को झंडों और फूलों से सजाया गया था। प्रत्येक घर में इस अवसर के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक अतिरिक्त द्वार था, और द्वार के दोनों ओर पानी से भरे बड़े पानी के कटोरे थे। सुगंधित धूप के जलने से सारा नगर सुगंधित हो जाता था, और रात को हजारों दीपकों से रोशनी होती थी, जो हर इमारत को सजाते थे। रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण के विवाह के अवसर पर पूरा शहर हर्षित दिखाई दिया। शहर में हर जगह केले के पेड़ और सुपारी के पेड़ों की विपुल सजावट थी। इन दोनों वृक्षों को शुभ कार्यों में बहुत शुभ माना जाता है। उसी समय कई हाथियों की एक सभा थी, जो विभिन्न मित्र राज्यों के संबंधित राजाओं को ले जाते थे। हाथी की आदत होती है कि वह जब भी कुछ छोटे पौधे और पेड़ देखता है तो अपने खेलकूद और तुच्छ स्वभाव के कारण पेड़ों को उखाड़कर इधर उधर फेंक देता है। इस अवसर पर इकट्ठे हुए हाथियों ने केले और सुपारी के पेड़ों को भी बिखेर दिया, लेकिन इतनी नशे की हरकत के बावजूद इधर उधर फेंके गए पेड़ों से पूरा शहर बहुत अच्छा लग रहा था। कौरवों और पांडवों के मित्र राजाओं का प्रतिनिधित्व भीम, धृतराष्ट्र, पांच पांडव भाइयों, राजा द्रुपद, राजा संतर्दन और रुक्मिणी के पिता भीमिक ने किया था। कृष्ण के रुक्मिणी के अपहरण के कारण शुरू में दोनों परिवारों के बीच कुछ गलतफहमी थी, लेकिन विदर्भ के राजा भीमिक, श्री बलराम द्वारा संपर्क किए जाने और कई संतों द्वारा राजी किए जाने पर कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। यद्यपि विदर्भ राज्य में अपहरण की घटना बहुत सुखद घटना नहीं थी, क्षत्रियों के बीच अपहरण कोई असामान्य मामला नहीं था। अपहरण वास्तव में उनके लगभग सभी विवाहों में मौजूद था। वैसे भी राजा भीष्म का शुरू से ही अपनी सुंदर बेटी कृष्ण को सौंपने के इच्छुक थे। किसी न किसी तरह से उसका उद्देश्य पूरा हो गया था, और इसलिए वह विवाह समारोह में शामिल होने के लिए प्रसन्न था, भले ही उसका बड़ा बेटा लड़ाई में अपमानित हो गया था। पद्म पुराण में उल्लेख है कि महाराज नंद और वृंदावन के चरवाहे लड़के विवाह समारोह में शामिल हुए थे। इस अवसर पर कुरु, संजय, केक्या, विदर्भ और कुंती के राज्यों के राजा द्वारका आए और एक दूसरे से बहुत खुशी से मिले। रुक्मिणी के कृष्ण द्वारा अपहरण किए जाने की कहानी को काव्यात्मक रूप दिया गया था और पेशेवर पाठकों ने इसे हर जगह सुनाया। सभी एकत्रित राजा और उनकी बेटियां विशेष रूप से आश्चर्य से चकित थे और कृष्ण की वीरतापूर्ण गतिविधियों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए।
इस प्रकार सभी आगंतुक और द्वारका शहर के निवासी कृष्ण और रुक्मिणी को एक साथ देखकर प्रसन्न हुए। दूसरे शब्दों में, भाग्य की देवी अब सर्वोच्च भगवान के साथ एकजुट हो गई थी, जो सभी का पालन पोषण करती थी, और इस तरह सभी लोगों को बेहद खुशी का अनुभव हुआ। इस प्रकार कृष्ण के 54वें अध्याय का भक्तिवेदांत का तात्पर्य समाप्त होता है। कृष्ण सभी राजकुमारों को हराते हैं और रुक्मी को द्वारका के घर ले जाते हैं।